मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं परेशान हूँ कि मैं अब से तुम पर भरोसा नहीं कर सकूंगा। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके रिलेशनशिप की भी यही दिक्कत है कि सामने वाली लड़की आपसे झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है, आप पकड़ नहीं पा रहे, आपके पास कोई ट्रिक या टिप्स नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, गर्लफ्रेंड झूठी है या सच्ची, ऐसा पकड़ने से आपको आपका प्यार सच्चा है या झूठा ये पता चल जाएगा। अगर प्यार झूठा है तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, और अगर ऐसी टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि आप झूठे तो आपको पता चल जाएगा आपका प्यार सच्चा है, तो आप समझ लीजिए आप नसीब वाले हैं, आपको आपकी अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है, आप उनको वाइफ बना सकते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोलते हुए पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, झूठ बोलते हुए इंसान कुछ ना कुछ हरकत करता है, वही कुछ एक हरकत या तो फिर दो तीन स्टेप मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके बदौलत आप आराम से समझ पाएंगे कि गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है या फिर सच। तो उसमें नंबर वन पे जो बात देखनी है वो है वॉइस टोन। हाँ दोस्तों, आवाज़ वो कैसे निकलती है, आप पूछेंगे जो मना किया है उसके बारे में, या तो फिर फास्ट या जल्दी से बोल देती है, ये सारी बातें आपको समझनी है। अगर आप कोई बात पूछते हैं, जैसे कि समझ लीजिएगी क्या वो तीसरा जिसके साथ आप मैसेज पे बात कर रहे थे, उनके साथ आपका फ्रेंडशिप के अलावा कोई रिलेशनशिप है, ये ऐसा सवाल पूछने के बाद अगर वो किस तरह से जवाब देती है, आप पूछेंगे तुरंत मना कर देती है, नहीं जाने दो वो लड़का तो ऐसा है, ठीक है उसकी बात अलग है, मैं अलग हूँ, वो है, ऐसा कहती है, या फिर फास्ट या एकदम फटाफट से जवाब देने की कोशिश करती है, नहीं वो तो ठीक है, वो पता नहीं क्या है, वो है, ऐसा करके बात को घुमा रही है, आपको घुमा रही है, और उसका वॉइस टोन थोड़ा सा डरा हुआ लगता है, आपको डरा हुआ लगता है या तो फिर थोड़ा गुस्से वाला लगता है। क्योंकि दोस्तों, डरा हुआ होगा तो आपसे वो डर रही है, गुस्से वाला होगा तो वो नहीं चाहती कि वो आप तीसरे के बारे में बात करें, इसलिए गुस्सा करेगी। ये दोनों में से कोई भी वॉइस टोन है तो वो झूठ बोल रही है 100%। तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं समझना होगा, आपको पूरी बात की खाल निकालनी होगी और उस तीसरे लड़के के बारे में आपको जानना होगा। अब दूसरी बात आपको जो देखनी है, ऐसा सवाल पूछ लिया, उसके बाद आपको देखना है फेस टू फेस वो कनेक्ट हो रही है या नहीं, नजरें नहीं मिला रही, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रही, अपने हाथ या बालों को घुमा रही है, तो फिर कुछ भी हरकत कर रही है। दोस्तों, ऐसी हरकत करने वाले अपनी जो प्रेजेंट में जो बात हो रही है उससे कहीं ना कहीं डर रहे, इसके लिए इस सारी हरकतों का सहारा ले रहे, जिसके बदौलत वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर पाए। इसके लिए दोस्तों, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है, फेस टू फेस आई टू आई नजरें नहीं मिला रही है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही है, और उसकी बात के पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा झूठ छिपा हुआ है। और नंबर तीन पे जो आपको बात देखनी है वो है बॉडी लैंग्वेज आर टोटली चेंज्ड। हाँ दोस्तों, आप जैसे ही सवाल पूछते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझ लीजिए कि आप कहीं पे बैठे, आपका दोस्त आके बोलता है कि चलो आज मेरी तरफ से एक पार्टी मैं देने वाला हूँ, तो आप कितने खुश हो जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम खुशी भरी हो जाती है, आपके हाथ ऊंचे हो जाएंगे, मुंह पे स्माइल आ जाएगी, एकदम अंदर से एनर्जी फील होने लगेगी, एकदम हम खुले हो जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर कोई आप पे शक करता है, या तो फिर वो शक अगर यकीन है, सच्चाई है, तो सामने वाले की बॉडी थोड़ी डरी हुई हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपसे छिपाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपको दिख जाएगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करेगी, आप शक ही किया करोगे तो आप जितनी बार सवाल पूछेंगे वो सामने आर्ग्यूमेंट करेगी, क्योंकि उनको वो बातें छिपानी है। तो कहीं ना कहीं वो अगर ऐसा करती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आर्ग्यूमेंट करती है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ छिपा रही है। दोस्तों, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, ये तीनों बातें अगर आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है तो 100% कहीं ना कहीं कुछ बात है, कुछ गलत हो रहा है। आपको उस बात की जड़ तक जाना चाहिए, आपको उस बात को समझना चाहिए, परखना चाहिए। दोस्तों, कई बार ये तीनों चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ आपको शक होता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। तो यहाँ पे आपको खुद को पहले तो समझना है आप जो शक कर रहे हैं वो सच है या झूठ है, ये कुछ स्टेप्स मैंने जो बताए वो लेने हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिसकी बदौलत आप अपने गर्लफ्रेंड को पकड़ पाएंगे, अपना प्यार सच्चा है या झूठा ये समझ पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले उनका प्यार ट्रू लव है या फिर फेक लव है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।